ये है गुवाहाटी रेलवे स्टेशन जो कि असम में है, और ये है म्याओ जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। तो आज मैं आप सबको गुवाहाटी टू म्याओ की जो मेरी जर्नी थी वो मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी। सबसे पहले हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो मैं यहाँ से आपको ट्रेन के खिड़की से बाहर दिखा रही हूँ, ये है गुवाहाटी। यहाँ देखिए बहुत ही हरियाली है, और आप देख रहे होंगे, देखिए यहाँ पे बहुत ही ऊंची-ऊंची पहाड़े हैं। नॉर्थ ईस्ट में ये बहुत अच्छी चीज़ है कि यहाँ पे सिर्फ हरियाली ही आपको दिखेगी, और बहुत ही खूबसूरत जगह है। यहाँ जो आप सब पहाड़ देख रहे हैं, इसी पहाड़ में ही माँ कामाख्या जी का मंदिर है। यहाँ देखिए यहाँ पे बनाना ट्री बहुत सारे हैं, और ये देखिए बहुत सारे यहाँ पे घर वगैरह भी बने हुए हैं। यहाँ आप सब टी गार्डन देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है देखने में। टी गार्डन में अगर हम पिक्चर क्लिक करते हैं तो बहुत खूबसूरत पिक्चर आता है, और यहाँ आप देख सकते हैं कि बहुत सारे यहाँ पे पेड़ लगे हुए हैं। इस पेड़ को कहते हैं यहाँ पे लोकल लैंग्वेज में तामूल का पेड़, जो कि अगर हिंदी में कहें तो ये जो सुपारी हम लोग खाते हैं पान के साथ। हम लोग गुवाहाटी से अब पहुँच गए हैं जागुन, जो कि असम और अरुणाचल का बॉर्डर है। अब जागुन से हम लोग यहाँ पे टाटा सुमो में बैठे हुए हैं। हम लोग अभी ट्रेन से उतर गए हैं, और ये लास्ट असम का बॉर्डर है जिसका नाम है जागुन। अब हम जा रहे हैं जागुन से अरुणाचल म्याओ में, और वहाँ पे देखिए हम लोग जागुन में आए हैं और फिर टाटा सुमो में बैठे हैं। और यहाँ के देखिए यहाँ पे कैसे किस तरीके के घर बने हुए रहते हैं। ये अरुणाचल के घर हैं जो यहाँ पे वो लोग बनाते हैं, रहते हैं उसमें। आप दोनों साइड देख सकते हैं कि दोनों साइड बहुत सारे जंगल हैं, बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं, और यही रोड के साइड में ही बहुत लोग घर भी बनाए हुए हैं, जो कि आप देख सकते हैं कि किस तरीके का ये सब घर बना हुआ है। ये सब इको फ्रेंडली घर है। यहाँ मैं आप सबके साथ एक और बात शेयर करना चाहती हूँ, जो आप यहाँ पे घर देखे हैं बगल में, उसे चांघर कहते हैं यहाँ के लोकल लैंग्वेज में। और ये जो घर है वो बैम्बू से बना हुआ रहता है, ये थोड़ा ऊंचा बना रहता है, जमीन से थोड़ा ऊपर रहता है, क्योंकि वहाँ पे आप देख सकते हैं कि अरुणाचल में बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, बहुत सारे जंगल हैं, तो यहाँ पे ऑब्वियसली बहुत सारे कीड़े मकोड़े भी होंगे, सांप है, बहुत सारे अलग अलग वैरायटीज़ के एनिमल्स है। तो उससे बचने के लिए, या फिर बरसात हो, गर्मी हो, कुछ भी हो, ये जो ऊंचा घर बना रहता है तो बहुत ही सेफ रहता है, इसलिए यहाँ पे ये लोग चांघर बनाते हैं। मैं एक साल पहले आई थी, तो इसके जो आप लेफ्ट साइड में जो मैं अभी दिखाई हूँ, वहां पे पेड़ कटे हुए हैं, वहां पे सारे जगह पेड़ लगे हुए थे। देखिए ये एक छोटा सा दुकान है, और पीछे उसका घर है, बाकी सारा आप देखें तो सारा वो घर बना हुआ है। यहाँ देखिए दोनों साइड जंगल ही जंगल है, और सबसे अच्छी बात यहाँ पे ये है कि ये बहुत ही जो इसका यहाँ का जो एयर है बहुत ही फ्रेश होता है।
जो कि हम अगर बाहर रहते हैं तो इसी चीज़ को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। बहुत सारा पोल्यूटेड है वहाँ पे एयर पोल्यूशन के कारण, यहाँ पे बिल्कुल भी पोल्यूशन नहीं है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि फॉरेस्ट हाउस है वो, और ये देखिए कितने सारे यहाँ पे जंगल ही जंगल है, और उसके बस साइड में एक घर बना हुआ है। और देखिए ये देखते ही देखते हम पहुंच गए हैं अरुणाचल और असम के जो बॉर्डर है। अब यहाँ पे बॉर्डर में गेट दिखाऊंगी, जिसके एक साइड से अगर स्टार्टिंग होती है असम और दूसरे साइड से होती है अरुणाचल प्रदेश। तो ये देखिए ये ब्रिज है, ये ब्रिज हम क्रॉस करेंगे। और जो ये गेट है उसे कहते हैं नामची गेट, इसका नाम है नामची गेट। में यहाँ पे इनर लाइन पास देखा जाता है, जिसके पास पास होता है उन्हीं को अंदर जाने देते हैं। और यहाँ देखिए राइट साइड में एक टेंट बनी हुई है, यहाँ पे कोविड टेस्ट होता है जो भी बाहर से आते हैं। और साइड में बहुत सारी दुकान वगैरह बनी हुई है, तो यहाँ पे हमारा भी कोरोना का टेस्ट हुआ है। और कोरोना के टेस्ट होने के बाद फिर हम यहाँ से आगे गए हैं। जो टेस्ट हुआ है वो मैं आप सबको नहीं दिखाऊंगी। और देखिए हमारा सब कुछ हो गया है, सब कुछ ओके है, अब हम आगे चल रहे हैं। ये देखिए नामची चेक गेट है, और यहाँ पे पुलिस वगैरह का ड्यूटी रहता है, वो वहाँ पे रहते हैं। और देखिए हम अब एंटर हो गए हैं अरुणाचल प्रदेश की ओर, अब हम जा रहे हैं मियाओ। और यहाँ रास्ते में ही हम देख सकते हैं कि यहाँ पे एक HP का पेट्रोल पंप नया बना है, जो कि मैं पिछली बार आई थी तो ये नहीं था, अभी ये नया नया बना हुआ है। यहाँ भी आप देखिए कि राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों साइड बहुत सारे घर बने हुए हैं, लेकिन हरियाली तो है ही और होनी भी चाहिए। यहाँ देखिए वही जो सुपारी का पेड़ है वो भी बहुत सारे लगे हुए हैं।
और हम सब अब पहुंच गए हैं खारसांग। यहाँ की अगर हम बात करें तो यहाँ पे पॉपुलेशन भी बहुत कम है और फिर ग्रीनरी आप देख सकते हैं कि कितना सारा यहाँ पे हरियाली ही हरियाली है। और यहाँ के लोग भी ऑब्वियसली बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही हेल्पिंग नेचर है। और आप सब भी अगर यहाँ आएंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा क्योंकि बहुत ही खूबसूरत सा जगह है। यहाँ एक नेशनल पार्क भी है जिसका नाम है नामदफा नेशनल पार्क, जो कि अरुणाचल में ही है और म्याओ में ही है वो नेशनल पार्क। अगर आप सब आना चाहें तो भी आ सकते हैं देखने के लिए, बहुत ही खूबसूरत है, आप सबको बहुत ही अच्छा लगेगा। वहाँ पे बहुत जाते समय रास्ते के साइड में आप देख सकेंगे कि जो वाटरफॉल होती है झरना, वो बहुत सारा है और बहुत ही खूबसूरत है देखने में। देखिए अब हम यहाँ से ब्रिज क्रॉस कर रहे हैं और ये ब्रिज क्रॉस करने के बाद एक और यहाँ पे एक जगह आती है। ये देखिए दोनों साइड में ही दुकानें बनी हुई है, शॉप्स है छोटे छोटे से, और यहाँ पे सारे ही प्रोडक्ट, सारे ही चीज़ यहाँ पे अवेलेबल मिल जाती है। और यहाँ पे एक SBI का बैंक भी है, आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड में ATM भी है नीचे। छोटा सा जगह है पर बहुत ही अच्छा है, बहुत ही खूबसूरत। ये देखिए अब हम और आगे चल रहे हैं और आप अगर स्ट्रेट देखें वहाँ पे ब्लू कलर का पहाड़ है, वो बहुत ही खूबसूरत है। जब दिसंबर और जनवरी का जो मंथ होता है उस वक्त वो जो पहाड़ देखे हैं आप लोग, वो पूरा वाइट हो जाता है क्योंकि उसमें इतने सारे बर्फ़ गिरे रहते हैं कि वो पहाड़ ही पूरा बर्फ़ से कवर हो जाते हैं और देखने में वाइट दिखता है और बहुत ही सुंदर लगता है उस वक्त। यहाँ भी चाय का बगान है।
आई होप कि आप सबको मेरी ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी।